जुमर आ रहा है। बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई। हम 2016 से 2020 तक मुल्तान में रहे हैं और मई 2020 में हम वापस गुजरात शिफ्ट हो गए थे। फाइनली पहुंच गए हम गुजरात। हीरोए तो पूरा। और जब से हम गुजरात आए हैं मैं एक दफा भी मुल्तान नहीं गया था। भैया रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन अभी हम जाने लगे रेलवे स्टेशन ये रिक्शे पे। मेरे एक मामू मुल्तान में ही रहते हैं। आप चैनल का नाम क्या है? अली हमजा एंटरटेनमेंट। थोड़ा लेट ही आएगा, अभी मैं जा रहा हूँ मुल्तान, वहाँ व्लॉग बना के फिर आएंगे। 21 नवंबर 2022 को मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी थी और 10 डेज पहले मतलब 12 नवंबर को मैं मुल्तान जा रहा था मामू के पास छुट्टियां एंजॉय करने। लेट्स गो, बहुत मजा आने वाला है भाई। स्टेशन हम आ चुके हैं, एक सब्सक्राइबर भाई आ गए हैं। सब्सक्राइब करेंगे ना? चैनल का नाम क्या है? अली हमजा एंटरटेनमेंट। गुड हो गया। ये है गुजरात का रेलवे स्टेशन। बहुत प्यारी प्यारी धूप आ रही है यहाँ पे। मेरी जो ट्रेन आनी है वो 11 बजे आनी है और अभी पूरे 9 बजे हैं और टिकट मिली है 10 बजे। वो जो रेलवे स्टेशन वाली ऐप होती है ना उस पे लिखा हुआ था 9:16 पे पाकिस्तान एक्सप्रेस यहाँ पे आ जाएगी और मैं अपने टाइम पे आ गया हूँ। अभी 9 बजे हैं। मेरी ट्रेन ने आना था 11 बजे, करना पड़ा फिर 2 घंटे वेट। जो मुल्तान वाली ट्रेन आनी है ना उसमें सिर्फ मैं जा रहा हूँ, सारा प्लेटफॉर्म खाली है क्योंकि जब मैं जाऊंगा मुल्तान तो कोई भी नहीं जाएगा। ये ट्रेन जा रही है लाहौर की। 10:15 पर मैं टिकट लेने गया। टिकट तो मिल गई लेकिन सीट नहीं मिली और अब लक पर डिपेंड था कि ट्रेन में मुझे सीट मिलती है या नहीं मिलती। हमारी ट्रेन आ गई है। वेरी वेरी एक्साइटेड। ट्रेन में इतना ज्यादा रश था कि बैठना तो दूर की बात, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। लोग नीचे रास्ते में बैठे हुए थे। बस फिर ढूंढ ली खड़े होने की जगह। गुजरांवाला पहुंच गए, खड़े होके जा रहे हैं। पूरा सफर खड़े होके जाना है। सफरनामा खराब हो गया है। लाहौर पहुंच गए हैं, अभी थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ। फुल रश है, लाहौर तक खड़े होके आया। जिनकी ये सीट है जब वो आ जाएंगे फिर खड़ा हो जाऊंगा। मुल्तान तक खड़े होके जाना भाई आज। जिन भाई की सीट पर मैं बैठा हुआ था जब वो आए तो उन्होंने मुझे कहा आप बैठे रहो मैं खड़ा हो जाता हूँ, जब मैं थक जाऊंगा आप खड़े हो जाना मैं बैठ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। खाने वाले पहुंच गए हैं, वन और लेफ्ट। भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आज इन्होंने भाई अपनी सीट दिया मुझे। 4 घंटे में खड़ा हो गया, मैं 4 घंटे बैठ के आया। इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी यहाँ से पहले कभी नहीं। यार मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, अभी भी मैं ख्वाब में। ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने आंखें खोली और मैं सोया उठाऊंगा। ये कौन सा स्टेशन है? ये स्टेशन है साहिवाल। मुल्तान? मुल्तान में है। ये ख्वाब तो नहीं चल रहा है, सच है ना? नहीं नहीं भाई सच है। सच है भाई? सच है, सच है। नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। हाँ जी। ओ भाई गॉड यार सच है, यार सच है भाई ने कहा, ये ख्वाब नहीं है सच है। रेलवे स्टेशन से मैं एग्जिट हुआ, मामू मुझे लेने आ गए थे। हम घर गए, डिनर किया, रेस्ट किया और तसल्ली से नींद पूरी की। मैं अपने स्कूल फ्रेंड को सरप्राइज करने आया हूँ 2.5 साल बाद। ओ माय गॉड, अल्लाह ही बरकत। कैसा लगा सरप्राइज फिर? कैसा लगा सरप्राइज? जिंदगी में आज तक इससे बेहतर सरप्राइज नहीं मिला मुझे।
क्या कर रहा है आजकल? असाइनमेंट बना रहा था अभी तो। किस चीज़ की? इंग्लिश की, इस्लामिक स्टडीज। कॉलेज वगैरह जा रहा है? यूनिवर्सिटी। स्टार्ट हो गई क्या? कब से? दो महीने। अच्छा, मेरी 21 नवंबर से स्टार्ट होनी है। क्लास में ये बातें करते थे, आज ना इतने सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे। हमारी क्लास के दो लड़के थे जो ना यूट्यूब के बारे में बहुत ज्यादा बातें किया करते थे। इन्होंने स्टार्ट करा, एक ये है और एक वो हमजा शेख। एक लड़के से पूछा, यार ये यूट्यूब है क्या? इसने मुझे बहुत गाइड किया स्टार्ट में। उसने मुझे ब्लॉग्स के बारे में बताया था। यहाँ पे आके मैंने इतनी वीडियो पोस्ट किए हैं वाईफाई से, क्योंकि मेरे पास था ना नेट होता था ना वाईफाई। समटाइम्स ऐसा होता था मैं वीडियो एडिट करके बासित को यूएसबी में दे देता था। पासवर्ड इसको पता था मेरे चैनल का, ये टाइटल वगैरह खुद लगा के वो वीडियो पोस्ट करता था, याद है ना स्टार्टिंग की वीडियो। बट वो मैंने प्राइवेट कर दिया है क्योंकि वो टिकटॉक की वीडियो थी। अब काफी इंप्रूवमेंट आ गई है ना? बहुत माशाल्लाह, अब तो बड़े यूट्यूबर हो गए भाई साहब। अभी फ्री है? चले कहीं पे? जुमर लोगों को सरप्राइज करते हैं जाके, किशान को, अफान को, जो जितने भी फ्रेंड्स हैं। अली हमजा भाई दी ग्रेट। इसके लिए मैंने इसको पैसे दिए हैं। ये पैसे बोलने के दिए नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये। यार ये तो वैसा का वैसा ही है यार। आप बदल गए हैं। क्या हाल है? ये डबल फाटक में आए हैं अभी, रश देख सकते हैं कितना ज्यादा है। किशान साहब ड्राइविंग करते हुए अभी हम कोयटा होटल में आए हैं। क्या खाने आए हैं? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं खिलाया। ये खिलाएगा, ये खिलाएगा जी बिल्कुल। जाहिद ने दराज से कुछ ऑर्डर करवाया, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं उसमें क्या चीज़ है। नहीं 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 नहीं, ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अगर कोई ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहता है तो कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। इतने अच्छे भी आपके दिन नहीं आए कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा। अभी यही पे हम मैच देख रहे हैं, अभी अभी रिजवान ने छक्का मारा। ओ ओ ओ, ओ मैच जीतना है भाई आज। भाई पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह इंग्लैंड से फाइनल। भाई मलाई मार के बंद और चाय हमने पी ली है। जुमर की बर्थडे है, उसे सरप्राइज करेंगे, बिन बुलाए मेहमान जाएंगे उसके घर। ये थोड़ा सा लेट आएगा, मैं किशान के साथ जाऊंगा। अब शाम ही मिलते हैं जुमर की बर्थडे पे। मिलते हैं फिर। 2 बजे तीनों फ्रेंड्स अपने अपने घर चले गए थे और शाम 6 बजे हम सब फ्रेंड्स को इकट्ठे होना था जुमर की बर्थडे के लिए। और मेरे पास सिर्फ 4 घंटे थे हैदर लाइन में सबसे मिलने के लिए और घूमने के लिए। ये वाला घर है जहाँ पे हम रहते थे हैदर लाइन। एक सेकंड, मैंने परमिशन ली थी वीडियो बनाने के लिए। इधर मैंने क्रिकेट खेली है, बैडमिंटन खेला है। चिड़ी हमारी इधर स्कूल में चली जाती थी, सामने से घूम के फिर ले के आते थे। और यहाँ पे कूलर लगाते थे गर्मियों में, अभी भी वैसा का वैसा है ये सेट किया ताकि बाहर से अंदर नजर ना आए। घास बाबा ने खुद लगाया था, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं हुई यहाँ पे। और इधर ही मैंने काफी सारी वीडियोस भी बनाई थी। ये था हमारा घर हैदर लाइन का। अभी मैं पार्ट 2 में आया हूँ और काफी चेंज हो गया यार, काफी प्यारा बना दिया इन्होंने। यहाँ पे पहले फवारा हुआ करता था, अब इन्होंने बेंच बना दिए हैं। ग्रीनरी जो है ना वो बहुत अमेजिंग हो गई है। चार साल इसी पार्क में गुजरे हैं मेरे। यहाँ पे मैंने काइट्स भी उड़ाई हैं, यहाँ पे क्रिकेट भी खेली है, यहाँ पे फुटबॉल भी खेला है, यहाँ पे झूले वगैरह भी लिए हैं। एक जो है ना झूला वो अभी भी सेम वैसा का वैसा है, ये वाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पहचाने? नहीं पहचाना, जाए 3 साल पीछे। यार देखें भाई, भूल गए हमें। 3 साल पहले भी मैं वीडियो बनाने आया था भाई। आज मेरा लास्ट डे मुल्तान में, तो आज मैं कैप्चर करने आया हूँ। एकदम हाय कर दे। आप जैसे लड़कों की जरूरत है यार, आप जा रहे हो मरते यार। आपने कहा जा रहे हो अब यहाँ से, अब आप भूल गए हैं भाई। आपने दिल तोड़ दिया, मुझे नहीं पहचाना मुझे। तो ये है भाई क्रेज, सब मिलके मैच देख रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड का। आउट हो गया, हार गया पाकिस्तान। 131 और 9 आउट हो चुके हैं। हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। वैसे भी इंग्लैंड की बैटिंग है, हम जीत सकते हैं अभी भी।
तो अभी मैं जुनेद के घर आया था, जुनेद तो अभी इधर नहीं है, वो है लाहौर। तो उसका छोटा भाई मिला है, कैसा लगा फिर 2.5 साल बाद? अच्छा लगा माशाल्लाह, एकदम से सरप्राइज। मैच देख रहे थे, मैच जीता है, यहां काफी खुशी भी मिली है। देखो डबल डबल सरप्राइज, अगर पाकिस्तान जीत गया वो अलग सरप्राइज। जुनेद यार बहुत मिस किया तुम्हें यहाँ पे, मैंने लाहौर में चला गया, कोई नहीं लाहौर आऊंगा फिर मिलेंगे वहाँ पे। उसके बाद मैं आदिल के घर पर गया, आदिल तो घर पर नहीं था बट आंटी ने मुझे पहचान लिया था। उन्होंने मुझे बैठक में बिठाया और बताया आदिल तो कराची गया हुआ है, उसकी जॉब लग गई है एयरफोर्स में, तो अभी हलवा खाते हैं फिर चलते हैं। यार कोई एयरफोर्स में चला गया, कोई लाहौर चला गया, कोई मार्ट में जॉब कर रहा है, कोई फैक्ट्री में लगा हुआ है, एक मैं निकम्मा रह गया हूँ। इन बच्चों को खेलता हुआ देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया था, जब असर की नमाज के बाद हम भी क्रिकेट खेला करते थे, और यही सोचते सोचते जब टाइम देखा तो 6 बज चुके थे और मैंने सदर बाजार पहुंचना था। ये मुल्तान सदर बाजार है, और कुछ लोग कैंट भी कहते हैं, केक कॉर्नर। यहाँ पे जुमर के लिए केक लेने आया है। जुमर आ रहा है। मुझे पता लगा था चल गया था यार, जा यार किसे बताया, मेरी पहुंच है। इधर चल रही है टेकन 7। ओ ओ ओ ओ ओ ये हमारे बर्थडे बॉय, इसको हमने सरप्राइज करना था। सच्ची सच्ची बता, तुझे बताया किसने? बंदे को नहीं पहुंच पहुंच नहीं यार, जाहिद ने बताया, जाहिद ने बताया था। हम तो मिले जब तू आया ना, मुल्तान करो पहला कदम रखा है, मुझे पढ़ते क्या दिल को दिल जरा होती है। ये हमारे लिए भाई गेम खेलते हुए कौन सा गाना चल रहा है? वो मेरा दिल ये बोले क्या आगे क्या? मेरा दिल ये बोले, मेरा दिल पुकारे आजा आजा। मैं टिकटॉक और रील्स वगैरह नहीं देखता, जिसकी वजह से मुझे ट्रेंड का नहीं पता था। इन्होंने मुझे बताया था इस ट्रेंड के बारे में। किशान ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आज तूने डांस करना, मेरा दिल ये पुकारे आजा 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 कर रहे एक घंटे से हम वेट कर रहे हैं बासित का, कहाँ बिजी था? काम। ने बहुत अच्छे से खाना शाना खा लिया है। ये जुम्बर की बात हो रही है, रैगिंग हुई थी यूनिवर्सिटी में। सब दोस्तों ने इतना हंसाया इतना हंसाया इतना हंसाया कि पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था। ये दिन तो गुजर गया था लेकिन मेमोरीज हमेशा कैप्चर हो गई। इसीलिए कहते हैं कलेक्ट मोमेंट्स नॉट थिंग्स। थैंक यू सो मच उमर, बहुत अच्छा लगा मिलके। अच्छा तुझे बता कैसा लगा मिलके 2.5 साल बाद? वैसे यार मैंने इसको सरप्राइज देना था बट इसको पता चल गया। अब सच्ची सच्ची बता किसने बताया था? यार मुझे जाहिद ने बताया था ना। नहीं जाहिद ने बताया था ना, जाहिद ने बता दिया था, कोई बात नहीं। सब दोस्तों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। अगर दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। जुमर को सरप्राइज करना है हमने।